हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज 19 तारीख यानी 19 फरवरी है। तो आज हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान का प्रथम पाली का जो क्वेश्चन है उसका आंसर। तो ये सेट ए है, ठीक है। तो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि सेट अलग अलग होता है लेकिन क्वेश्चन एक ही होता है। तो आप वीडियो को पॉज करके आप मिलाएंगे कि आपका कितना क्वेश्चन जो है वो सही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है कि यंग इटली की स्थापना किसने की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मेजनी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की। ऑप्शन गैरिवाल्डी, काउंट कौर, विलियम फर्स्ट और मेटरनिक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, मेटरनिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1981। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1944। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पत्रिका ने रातों रात वर्नामुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल ली। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अमृता बाजार पत्रिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंबोडिया। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 13 अप्रैल 1919। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1920। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने न्यू डील नीति लागू की। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा होगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1929। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में नए आर्थिक सुधार को प्रारंभ किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का संसाधनों का अधिकार होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा। ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1975। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृषि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को भारत की वित्तीय राजधानी, किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने के जेवरों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हॉलमार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 1995। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अभ्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अल्मोनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में किस राज्य में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है? तो वो है आपका असम, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है आपका कोयला, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किन्नौर पतन स्थित है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से किस में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्सोल का उपयोग होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैंसर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध बना है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महानदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जमालपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कांटी तापी विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मुजफ्फरपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा भूकंप, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टेलीफोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नदी में गाद जमना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महासागर की तली में होने वाली कंपन का परिणाम? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चक्रवात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, कोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बलवंत राय मेहता समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 15 नवंबर 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक दल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पानी की कमी में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर ए सांसदों एवं विधायकों पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए चलाया गया शासन, यह किसका कहना है? तो ये कथन जो है अब्राहम लिंकन का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, है पंचायती राज व्यवस्था का निम्नतर स्तर क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी ग्राम पंचायत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिका किस अनुसूची से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 12वीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1924। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त बी वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है होगा 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी दयानंद सरस्वती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पहला वाष्प इंजन का किसने आविष्कार किया? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी जेम्स वाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मराठी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से सबसे अधिक कठोर खनिज कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हीरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रबर की खेती करने के लिए किस राज्य रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मयूर। निम्न में से किसका प्रयोग ताप शक्ति संयंत्र में तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका फर्स्ट तुंगभद्रा परियोजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी बरौनी। जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्व में अग्रणी है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंगोरा ऊन स्रोत क्या है? अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भेड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी कृष्णा। भोपाल गैस आपदा थी? ऑप्शन नंबर बी मानव जनित आपदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जोन 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तटबंध के किनारे किस प्रकार की वनस्पति को सघन के रूप से लगाना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी कटीली झाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक खतरनाक सुखार है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी मौसमी सुखार। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी मानवीय संसाधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय सहकारी बैंक का गठन होता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी राज्य स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है
वो होगा आपका, इसमें थोड़ा सा निजी क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक नियोजन और सर्वाधिक क्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि इसमें कुछ डाउट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माध्यमिक शिक्षा। समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है होगा ऑप्शन नंबर सी, 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या था? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जातिवाद। ऑप्शन नंबर ए, जातिवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1990। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का प्रसिद्ध पर्व है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कौन से जिला केला के लिए प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाजीपुर। निम्न में से कौन नदी बिहार से होकर नहीं बहती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोमती। तो चलिए इसी के साथ वीडियो यानी कि इस क्वेश्चन समाप्त होता है, और आपका कितना सही हुआ वो देख लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए धन्यवाद।